उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 90 किलोमीटर दूर गोमती नदी के किनारे स्थित है नैमिषारण्य। संसार के 9 तपोवनों में सबसे पवित्र, 88,000 ऋषियों का निवास स्थान। मान्यता है कि यही सृष्टि का आरंभ स्थल है और यही ईश्वर के आदि स्वरूप का स्थान। यही महर्षि व्यास ने वेदों को 4 हिस्सों में बांटा था और 18 पुराणों की रचना की थी और यही सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा सुनाई गई थी। जैसे कोई देव देवताओं का घरों का निर्माण करता है तो पहले देवस्थान निर्मित करता है, इसी तरह नैमिषारण्य की जो रचना और स्थापना है ये ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया था, इसलिए ये हरिहर क्षेत्र कहलाता है। और सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम जो ये भूखंड बना, तो भूखंड जो है ये पृथ्वी मंडल, तो उसमें सबसे पहला मंडल, सबसे पहला जो खंड है वो नैमिषारण्य की रचना हुई। मान्यता है कि सृष्टि का आरंभ करने वाले राजा मनु ने अपनी पत्नी सद्रूपा के साथ इसी स्थान पर 23,000 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर तप किया था। अपने गुरु के कहने पर इन्होंने अपने राजपाट त्याग कर यहाँ आए और आकर के घोर तप किया। तब ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता उनको दर्शन देने के लिए बार बार आते थे, कहते थे वर मांगो, तो इन्होंने जब वर नहीं मांगा, फिर महाराज मनु को भगवान ने कहा कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने वरदान में मांगा था कि हमको आपके जैसा पुत्र चाहिए। तब भगवान ने कहा कि मेरे जैसा पुत्र तो इस संसार में कोई दूसरा नहीं है, इसलिए त्रेता काल आने पर जब महाराज मनु आप अयोध्या के महाराजा दशरथ बनोगे और आप सतरूपा महारानी कौशल्या बनोगी, तब हम स्वतः आपके घर पुत्र रूप से जन्मेंगे। यानी अयोध्या नगरी के जन्म की कथा महातीर्थ नैमिषारण्य से ही निकलती है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में इसका वर्णन भी किया है। नैमिषारण्य की यात्रा चक्र तीर्थ के बिना अधूरी है, जिसके जन्म का उल्लेख वाराह पुराण में वर्णित एक कथा में मिलता है। इसके मुताबिक कलयुग के आगमन से चिंतित ऋषियों ने ब्रह्मा जी से तप स्थल के लिए उपयुक्त स्थान बताने का आग्रह किया। ब्रह्मा जी ने उस स्थान को ढूंढने के लिए अपना चक्र भेजा, जिसने इसी स्थान पर धरती का स्पर्श किया, लेकिन चक्र भूमि फाड़ते हुए गर्भोदक सागर तक चला गया। जब चक्र धरती और गर्भोदक सागर के बीच 7 में से 6 ग्रह मंडल पार कर चुका तो ऋषि चिंतित हो उठे। उन्हें चिंता हुई कि सागर से टकराने पर तो धरती का विनाश हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी के निर्देश पर मुनियों ने नैमिषारण्य में निवास करने वाली ललिता देवी की उपासना की, जिन्होंने चक्र को अपने बाएं हाथ से थामकर पृथ्वी का नाश होने से बचा लिया। माँ ललिता की हजारों साल पुरानी प्रतिमा यहाँ आज भी मौजूद है, जिसमें वो भगवान शिव की जंघा पर बैठी दिखाई देती है। एक किंवदंती है कि भंडासुर दैत्य के नाश के लिए जब माँ यहाँ प्रकट हुई तो उनका सुंदर स्वरूप देखकर ऋषियों ने उन्हें ललित स्वरूपा कहा। तभी से भक्त उन्हें माँ ललिता के नाम से पूछते हैं। महातीर्थ नैमिष धाम से करीब 10 किलोमीटर दूर है वो स्थल जहां ऋषि दधीच ने वृत्रासुर के संहार के लिए अपना शरीर त्यागा था। कथा है कि असुर वृत्र ने देवलोक पर अधिकार कर इंद्रदेव को वहां से निकाल दिया था। तब इंद्र ने महातपस्वी ऋषि दधीच से सहायता की गुहार लगाई, क्योंकि उनकी अस्थियों से बना अस्त्र ही वृत्रासुर का वध कर सकता था। ऋषि दधीच ने तब सभी तीर्थों का दर्शन कर अपने शरीर का त्याग किया
और देवताओं ने उनकी रीढ़ की हड्डी से बने वज्र से वृत्रासुर का संहार किया। नैमिष धाम के पास राजघाट पर एक अनोखा चमत्कारी तीर्थ है जिसका नाम है रुद्रावर्त, यानी भगवान शिव का स्थान। जो रुद्रावर्त है वहाँ पर लोग आराधना करते हैं, दूध और बेलपत्र चढ़ाने का विधान परंपरागतों से चला आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव ने स्वतः आराधना की थी नारायण की। उन्होंने निर्जला व्रत किया था तो दूध और जो बेलपत्र है वो उनको प्रदान किया जाता है, वो उनका मुख्य भोजन है। इसलिए जब बेलपत्र वहाँ डालते हैं तो बेलपत्र वहाँ की प्रथम पहले तो परिक्रमा करता है और परिक्रमा करके फिर वो अधोमुखी होकर के सीधा वो अंदर चला जाता है और भगवान भूतभावन विराजमान है, वो उन्हीं को प्राप्त होता है, वो बेलपत्र फिर कभी किसी को नहीं मिलता। नैमिष धाम से कुछ ही दूर है देव देवेश्वर मंदिर। इसे श्रद्धालु फास्ट ट्रैक कोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि मान्यता है कि यहाँ मांगी गई मनोती शीघ्र पूरी होती है। जब भगवान श्री राम ने नैमिषारण्य में जब उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया था उस समय उन्होंने देवदेश्वर भगवान को आवाहन किया था, तो वो देवदेश्वर भगवान महादेव यहीं पर विराजमान हुए थे और भगवान राम के द्वारा पूजित होने के कारण ये देवदेश्वर कहलाए और आदि गंगा गोमती के जल से उनका यहाँ पर अभिषेक हुआ था, जिसके कारण भगवान राम को युद्ध में सफलता मिली थी। इसलिए ये देवदेश्वर महादेव तभी से ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं और अभी भी कोई इनकी आराधना करता है वहाँ पर अखंड पाठ करे, वहाँ पर पंचाक्षर महामंत्र का जप करे तो उसे तत्काल सिद्धि प्राप्त होती है। दक्षिण के तमिल कवियों ने नैमिषारण्य को भगवान विष्णु का स्वयं व्यक्त क्षेत्र कहा है। यहाँ पांडवों का एक किला भी है। माना जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ रुके थे। इसके अलावा भी सैकड़ों छोटे बड़े तीर्थ हैं, जिनमें हनुमानगढ़ी, पंचप्रयाग और सीता जी का कुंड प्रमुख है। भागवत पुराण में वर्णन है कि धरती पर नैमिषारण्य जैसा कोई तीर्थ नहीं है और यहाँ मौजूद चक्रतीर्थ संसार का केंद्र है। नैमिषारण्य की 16 किलोमीटर की परिधि में सभी प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। तभी तो कहते हैं कि अगर एक बार महातीर्थ नैमिषारण्य के विधिवत दर्शन कर लिए तो समझिए आपको समस्त तीर्थों के दर्शन का पुण्य मिल गया।